पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रामनवमी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। जगह जगह शोभा यात्रा निकाली गई। इस बार की रामनवमी अयोध्या वासियों के लिए खास रही, क्योंकि 500 साल बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामनवमी का उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर दूर दूर से श्रद्धालु श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे थे, तो कई जगहों पर श्री राम के रूप में सज धज कर भी लोगों ने रामनवमी का उत्सव मनाया। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से एक श्रद्धालु रामलला के बाल स्वरूप में सज धज कर अयोध्या पहुंचा और देखते ही देखते आकर्षण का केंद्र बन गया। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा, कैसे लोग आपका दर्शन कर रहे हैं? एक रामलला का वहाँ दर्शन, एक यहाँ दर्शन कर रहे हैं। हाँ, दर्शन कर रहे हैं। हाँ, भगवान जैसा। अच्छा, तो इस समय आपकी क्या तैयारी, कहाँ जा रहे हैं आप? अभी हम लोग हनुमान घड़ी, हनुमान घड़ी रामलला के पास भी जाएंगे आप? जाके आ गए। अच्छा, जाके अंदर हुआ है? कैसा लगा भगवान के सम्मुख जब आपने स्वयं भगवान बन के गए हैं? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये मेरे हस्बैंड ने इसको देखे थे बच्चे को, तो उस दिन से तय कर लिए थे कि इसका चेहरा पूरा राम भगवान से मिलता जुलता है, तो मैं इसको राम भगवान बनाऊंगा। और ये जो ज्वेलरी है और मुकुट है, सब मेरे हस्बैंड ने तैयार किए, हम दोनों मिलके इसको तैयार किए। चूंकि राम जी का ननिहाल है, कौशल्या माता की धरती है, वो तो हम लोग क्यों नहीं भगवान के जन्मदिन में हम लोग जाएं। तो हमारे यहाँ एक राम थे, उनको लेकर हम लोग आए। पूरे भारत वर्ष में 1008 लोगों को ले जाने का मैंने संकल्प लिया है। हर साल रामनवमी में स्वयं के खर्चे से निशुल्क 1008 लोगों को हर साल लाएंगे रामनवमी पे। ये भारतवर्ष में पहली पहल है और हम चाहते हैं हर भारतवर्षी का ऐसा पहल करें और अपने खर्चों से स्वयं के पैसे रामलला के दर्शन कराएं। रामनवमी के दिन को खास मानकर लोग इस दिन को श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। अगर हिंदू धर्म शास्त्रों की माने तो इस दिन त्रेता युग में भगवान विष्णु ने श्री राम के अवतार के रूप चैत्र मास की शुक्ल पक्ष के नवमी के दिन राजा दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लिया था, जिसके बाद से ये तिथि रामनवमी के रूप में मनाई जाती है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।